हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआई थ्री का जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसका जो 6 to 8 का मतलब जो जनरल स्टडी है, ठीक है, उसका क्वेश्चन पेपर हम लेकर के आए हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी टीआई थ्री में दी एग्ज़ाम में 6 to 8 में, ठीक है, जनरल स्टडी का जो पेपर है वो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। ठीक है, यानी कि आपके पास ऑप्शन भी था, कान था या सेरेबेलम था या पसली था। ठीक है, ये उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था पहला, 31 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया था, दूसरा क्वेश्चन था कि हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। ठीक है, यानी कि नेपाल सरकार ने अपनी पर्यटन राजधानी किसको घोषित किया था, लुम्बिनी को या पोखरा को या काठमांडू को, या ऑप्शन था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या था कि मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है, बैटरी उत्पादन में या माचिस उद्योग में या फोटोग्राफी उद्योग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, 1930 में, 34 में या 32 में, या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था आपके सामने, अगला क्वेश्चन था कि नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है। ठीक है, अब ऑप्शन था आपके पास शारलेम शेख मिस्र में या दुबई यूएई में या बाकू अजरबैजान में या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया था, मैथ का क्वेश्चन था, दिया गया कि यदि 1/5 का 3x बराबर 0.008 हो तो 0.25x का मान क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन था 0.2541, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया था, अगला क्वेश्चन ये मैथ्स का था, क्या था भाई, तो क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का अनुपात 14 और 25 है, यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो ऑप्शन था 282, 336 और 317। ठीक है, और क्या था, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शंस थे आपके पास। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था कि भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, यानी कि आपसे पूछा गया था कि भारत में ज्वारीय और तरंग जो ऊर्जा है उसके उत्पादन के लिए सबसे अच्छा जो मतलब कह सकते हैं कि परिस्थिति है वो कहाँ थी। ठीक है, मनार की खाड़ी में या कच्छ की खाड़ी में या खंभात की खाड़ी में या गंगा नदी या उपयुक्त में से एक से कोई नहीं। ठीक है, ये बताना था। अगला क्वेश्चन क्या था कि प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है, ये करंट का सवाल था। ठीक है, क्या था कि प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 100वां, 140वां, 123वां, 133वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, क्वेश्चन था कि बिहार दिवस, ठीक है, मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है। ऑप्शन है 22 मार्च को मुगल प्रेसिडेंसी से अलग होने की स्मृति में, या 22 मार्च को कलकत्ता प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में, या 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, आपको ये बताना था कि कौन सी नदी है जो भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है, क्या वो काली नदी है या क्या वो कोसी नदी है, क्या वो गंडक नदी है, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बनाया गया था, 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दांते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, यानी कि जो सदानंद दांते थे उनको किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF, ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय यानी ED, केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRPF। ठीक है, ये उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन क्या बनाया गया था, अगला क्वेश्चन था कि कितने वर्ष में 7508% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास 7500 रुपये हैं, ठीक है, 7500 रुपये हैं तो वो कितने वर्ष में इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, आपको ये बताना है कि कितना साल लगेगा यदि रेट क्या हो 8% रहे। ठीक है, तो क्या वो 10 साल में हो जाएगा
या 16 साल में हो जाएगा या 12 साढ़े 12 वर्ष में हो जाएगा या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आपको बताना था। अगला क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है, आपको बताना है, असेंडिंग क्रम में दिया गया है कौन सा क्रम सही है, ठीक है। अब ऑप्शन था ये, ठीक है, आपको ये देखना था कि कौन सा असेंडिंग क्रम में सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना है, ठीक है, यानी कि ऐसा कौन सा देश है जो मतलब गर्भपात को मतलब कानूनी तौर पे मान्यता दे दिया गया, ठीक है। ऑप्शन था संयुक्त अमेरिका, डेनमार्क, फ्रांस, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। ऑप्शन था आपके पास सर जेम्स टॉड, विलियम बेंटिक, विलियम जोन्स, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बनाया गया था, अगला क्वेश्चन था कि साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी, ठीक है। ऑप्शन था आपके पास 8 दिसंबर 1927, 8 नवंबर 1929, 8 नवंबर 1928, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। अब कथन क्या क्या है, तो दिया गया कि ऊर्जा स्रावित होते हैं तथा एटीपी के रूप में भंडारित होते हैं, ठीक है। दूसरा दिया गया था कि ऊर्जा कभी स्रावित नहीं होता है। तीसरा क्या था ऑप्शन, तीसरा था कि ऊर्जा स्रावित होता है तथा एडीपी के रूप में भंडारित होता है, ठीक है। चौथा क्या था, उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा था इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है, तो कमरे में रखे जा सकने वाले लंबे खंभे की लंबाई क्या है, ठीक है। यानी कि अगर क्वेश्चन क्या था कि अगर एक कमरा का जो मतलब लंबाई है वो 8 मीटर है, ठीक है, चौड़ाई 6 मीटर है और ऊंचाई जो है 10 मीटर है, तो कमरे में कितना लंबा रड मतलब खंभा रखा जा सकता है, ठीक है, ये बताना था। अगला क्वेश्चन क्या था कि निम्न ऑक्साइडों में कौन से जल में घुलनशील है, ठीक है, यानी कि ZnO है, FeO है, CaO है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था कि 0.03125, ठीक है, इसका मान ज्ञात करना था, क्या वो 4 आएगा या 9 आएगा या 6 आएगा, ये उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों को के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा, ठीक है। अब क्या है, 28 फरवरी विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में, 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में, या 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में, या उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था कि झारखंड का घाट शिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, क्या वो तांबा है या अभ्रक है, बॉक्साइट है, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बना था, अगला क्वेश्चन था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे, ठीक है, तो क्या वो राजेंद्र प्रसाद थे या राय बहादुर सतीश चंद्र थे, राजीव रंजन सिन्हा थे, या उपयुक्त में से एक से अधिक यह उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है, ठीक है, समानांतर क्रम में या दोनों या फिर श्रेणी क्रम में, यह उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपके पास, सुब्रमण्यम और नायडू के राहत कोष में कुछ पैसे दान किए, नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 रुपये अधिक है, यदि उनके द्वारा दान की गई कुल धनराशि 975 रुपये है तो सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई धनराशि कितनी है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन था 575, 385, 425, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। ऑप्शन है प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण, प्ररोह छोर पर ऑक्सीजन की सांद्रता, मूलाग्र पर ऑक्सीजन की सांद्रता, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय ने एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान
तहरीक ए इंसाफ पार्टी को बहाल किया, बहाल किए गए चुनाव प्रतीक क्या था, ठीक है, क्या वो क्रिकेट बैट था या क्रिकेट बॉल था या वर्धमान चंद्रमा था, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा उन चार पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, ठीक है, क्या वो ग्रुप कैप्टन पीवी नायर हैं या विंग कमांडर सुभाषु शुक्ला हैं या ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया था कि भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है, क्या सिंचाई के लिए या घरेलू उपयोग के लिए या उद्योग के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 61 कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन से शुरू की, क्या वो मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी था या मार्च 1837 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी या मार्च 1837 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था कि केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम फेंकने किसने फेंका था, ठीक है, यानी कि जो केंद्रीय विधानसभा चल रहा था, जो मतलब बैठक चल रही थी, उसमें हानि रहित बम यानी कि खाली बेंचों बम किसने फेंका था, क्या वो चंद्रशेखर आजाद थे, जतिन दास थे, बटुकेश्वर दत्त थे या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया था, ठीक है, वो क्या वहीदा रहमान थी या आशा पारेख या दिलीप कुमार या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था कि निम्न में कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, क्या वो टॉर्च बल्ब है या तांबा है, नाइक्रोम है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था कि निम्न में कौन सा कोलाइड नहीं है, ठीक है, क्या वो धुआं है, सिरका है, रक्त है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था कि हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडार स्थल कहाँ है, ठीक है, क्या वो यकृत है या पेट है, प्लीहा है, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था कि यदि एक्स के पावर 4 + y^4 = 17 तथा एक्स प्लस वाई बराबर 1 हो तो x²y² - y 2xy का मान क्या होगा, ठीक है, क्या वो 4 होगा या 12 होगा, 8 होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बनाया गया था कि भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, ठीक है, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, मुरैना मध्य प्रदेश में या कार्बेट उत्तराखंड में या सुंदरबन WB में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, ठीक है, क्या 1960 था, 1980 था, 1969 था या 1990 था, ठीक है। और इस सेक्शन का जो लास्ट क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था कि सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है, क्या वो 1937 था, 1938 था, 1939 था या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे 40 क्वेश्चन ये आपके TRE 3D एग्जाम जो हुआ था, ठीक है, उसका जो जनरल पेपर था, जनरल स्टडीज का, वो 40 क्वेश्चन ये दिए गए थे, ठीक है।